प्रदेश जल शक्ति विभाग और बागवानी मंत्री का दो दिवसीय रामपुर व आनी विधानसभा का दौरा लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। सीटू राज्य उपाध्यक्ष बिहारी सेवगी ने पत्रकार वार्ता में कहा कि मंत्री बदले की भावना से काम करना चाहते हैं। उन्होंने पूर्व में ओलावृष्टि और बर्फबारी से हुए नुकसान और रामपुर में ऑक्सीजन व ऑक्सीमीटर की कमी पर कोई बात नहीं की और न ही प्रदेश सरकार की ओर से इस पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया दी गई, जबकि बागवानों को उम्मीद थी कि बागवानी मंत्री आर्थिक पैकेज की घोषणा करेंगे। उन्होंने कहा कि आने विधानसभा के अवेरा में जब ग्रामीणों ने उनके समक्ष कुरपण नहर का काम जल्द पूरा करवाने की मांग की तो उन्होंने कहा कि यदि कोई कॉमरेड है तो वे काम नहीं करेंगे, जो कि एक मंत्री का हास्यपद बयान है। बिहारी सेवगी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश से बाहुल क्षेत्र है, ऐसे में यहाँ पर जो दवाइयां बागवानों को बेची जा रही है उस पर भी बागवानी विभाग का कोई नियंत्रण नहीं, जिससे साफ है कि उन्हें प्रदेश के बागवानों की कोई चिंता नहीं है। इतना ही नहीं, कुछ ऐसी दवाइयां भी बाजार में उपलब्ध है जो कि पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। हिमाचल प्रदेश के बागवानी और जल शक्ति मंत्री का दो दिन का टूर रामपुर में था और उस दौरे के दौरान उन्होंने जो लोगों ने एक्सपेक्टेशन की थी उनसे, ओलावृष्टि जो नुकसान हुआ था उनके मुआवजे के बाद जो लोगों ने उनसे आवाज़ उठाई थी वो उनकी भरपाई करने की कोई बात नहीं रही। दूसरा है कि जो कोरोना काल के दौरान रामपुर में जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी रही, ऑक्सीमीटर की कमी रही, उस पर भी उन्होंने कोई बात नहीं रखी है कि भी सरकार की तरफ से ऐसा क्यों हुआ। तीसरा है कि जब वो निर्मण में कल अवेरा जगह में लोग उनसे मिले थे, एक कुरपण नहर की बात वो कर रहे थे कि इसको इनकम्प्लीट है, इसको पूरा किया जाए, तो उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई कॉमरेड है तो मैं काम नहीं करूँगा। तो बड़ा हास्यपद है ये बात जो उन्होंने कही है। तो उनके लिए हमारा यही है कि अगर वो प्रदेश के मंत्री आज की डेट में, तो वो मंत्री जो संविधान की का अनुच्छेद 163 है उसके तहत तो देश के प्रदेश के मंत्री बने हैं, उसके तहत बने हैं, तो हमारा भी जो अधिकार जिसकी उन्होंने शपथ ली है कि सबको एक नज़र से देखूंगा प्रदेश में, ऐसा लगता है कि वो बदले की भावना से जनता के साथ, यहाँ की जनता के साथ कोई साथ काम करना चाहते हैं। और जो संविधानिक अधिकार है हमारा, अगर कोई कॉमरेड है, कोई और विचार को मानने वाला है, वो हमारा संविधानिक अधिकार है। हम सरकार को टैक्स देते हैं, बिजली का बिल देते हैं, पानी का बिल देते हैं, पूरे टैक्स पे करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो हमारा काम क्यों नहीं होगा। तो जो एक नज़र से होना चाहिए, वो जनता के सेवक है, जनता के मालिक नहीं है। अगर वो मंत्री है वो जनता के सेवक है, सेवक के रूप में काम करे, यही हमने उनको कहना है। दूसरा है, लाइव टाइम्स टीवी के लिए रामपुर बुशहर से अतुल कश्यप की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर, सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज, तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।